कंटेंट इज द रियल किंग। 2023 में अगर आप कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म या कंटेंट ड्रिवन फिल्म नहीं बनाएंगे तो आपकी फिल्म पीछे ही रह जाएगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहां पर भाईजान सलमान खान की फिल्म का, यानी कि किसी का भाई किसी की जान की। उस फिल्म के अंदर चार गाने और एक्शन के अलावा कंटेंट की बात करें तो कुछ नहीं था ऐसा, आप लोगों को बता दूं दोस्तों। तो अदा शर्मा की फिल्म केरला स्टोरी उससे आगे बढ़ गई है। आइए विद प्रूफ आपको बताता हूं कि कैसे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा अब आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं आ गया हूं यारों का यार होस्ट राहुल भोज। थोड़ा सा चिंतित हूं, थोड़ा सा वरीड हूं, क्योंकि ये एक सोचने की बात है। सबसे पहले आप देखिए ना, ये देखिए तरन नादर जी ने ये करा है, 100 करोड़ फिल्म ने पार कर दिया है। सबसे पहले बता दो तो भाई की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जो कि ईद में रिलीज हुई थी, उसको तक इस तरीके से 100 करोड़ इतनी जल्दी नहीं मिल पाए। आपको पता है दोस्तों 100 करोड़ उसने बहुत लेट कमाए हैं। ठीक है, फिल्म तो आगे बढ़ रही है, हिट की कैटेगरी में भी आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अगर बात करें उस फिल्म का तो वो फिल्म 100 करोड़ नहीं कमा पाई है जितनी जल्दी इस फिल्म ने कमा दिए हैं। क्या आपको पता है यूपी में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, ऐसे में पश्चिम बंगाल में तो अभी रिलीज ही नहीं हुई है। सोचिए, बैन था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तमिलनाडु के लिए भी सेम यही हिसाब किताब है। अब देखिए ये फिल्म कितना बवाल करती है। आप लोगों को बता दूं तो ये कंटेंट ड्रिवन सिनेमा था, एक कुछ हटके था, कुछ अलग था, सच्चाई से रूबरू वाली बात थी, लोगों ने पसंद करी है और इसको अप्रिशिएट किया है। और यही बात सोचने वाली है, भाई आपका जो चार्म है, जो जादू है बॉक्स ऑफिस पर, आपके जो डाई हार्ट फैंस हैं, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि अगर सिनेमा में वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो पीछे हो सकते हैं सक्सेस, चार्म या बॉक्स ऑफिस पर मैजिक वो कैसे आएगा जब तक आप कंटेंट ड्रिवन सिनेमा नहीं बनाते हैं। ये देख लीजिए ना, सबसे बड़ा प्रूफ। और मैं आपको बताता हूं इस ट्वीट में क्या लिखा है कि 100 करोड़ पार कर दिए हैं और ये वो फिल्म है जिसने की, ठीक है, जिसने की हाँ ये वो फिल्म है जिसने की अब सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है 2023 की, 100 करोड़ पार करके। सोचिए, तो ये सोचने वाली बात है यार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सिनेमा में इंप्रूव कीजिए, टेकन फॉर ग्रांटेड ऑडियंस को मत लीजिए, वरना ये हश्र होगा। खैर दोस्तों, आपको क्या है कहना जरूर बताएं, चलता हूं मैं।